नमस्कार। चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन टू में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, टेलीविजन, सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और भी बहुत कुछ है, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सोहन ठाकुर जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी रही है एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, जो आपका सफर रहा है कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी से पहले, जो भी आपका सफर रहा है, जिस तरह की मुश्किलें, जिस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए, उनसे आप किस तरह से उनको, आपने किस तरह से सरपास करके, किस तरह से उनको फेस करके आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी जर्नी हमसे शेयर करें। हाँ, मैं बहुत ही शॉर्टकट में अपनी पूरी जर्नी बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ जी ऑल, जो हमको देख रहे हैं उनको नमस्कार। मेरा नाम सोहन ठाकुर है और मैं बिहार के दरभंगा जिला से आता हूँ, जो दिल्ली में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और दिल्ली में मैं पढ़ रहा था। और दिल्ली में ही मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक्सीडेंटली जुड़ा। मैं अकाउंट असिस्टेंट में मेरे चाचा जी को असिस्ट कर रहा था। मेरे चाचा जी सीए हैं, उनके साथ मैं उनके अंडर में बेसिकली मैं काम कर रहा था। और ऐसे ही एक इश्तिहार निकला था एड में, मैं कॉलेज जा रहा था कि वांटेड ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क एंड यू नो स्टडी टुगेदर। जी तो मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू दिया उस कंपनी में गया, और वो कंपनी लकीली दिल्ली की सबसे बड़ी लाइट्स, कैमरा और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मतलब बाहर से शूटिंग के लिए इंडिया में कहीं से भी आते हैं तो दिल्ली में उनसे ही कांटेक्ट करते थे। तो उस जी कंपनी में मैं ज्वाइन किया एज अ ऑफिस मैनेजर एंड अकाउंट असिस्टेंट, जो मैं पेटी गैस संभालता था। जी वहाँ पे तो मुझे पहले पता ही नहीं चला कि ये क्या है क्या, मतलब लाइक मैंने बुकिंग लेता था, लोगों को शूटिंग में भेजता था, वो सारी चीज़ें मैं देखता था। और सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि जो मेरी नाइट ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी में जो शूटिंग करके सब लोग आए और वो लोग देवर टॉकिंग अबाउट कि आज शाहरुख खान आए थे, करिश्मा कपूर आई थी और शक्ति कपूर आए थे, सुखविंदर जी आए थे, यू नो मौर्या श्रेटन होटल में, और देवर डांसिंग सो मच दिस दैट। एंड आई वॉज लाइक, हाँ शाहरुख खान, एंड आई वॉज ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है भाई, मैं तो जाना चाहूँगा अगले दिन, और उन लोगों ने बोला कि हाँ हाँ ले चलेंगे। एंड उन लोगों ने बेसिकली मुझे बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि वो शाहरुख खान साहब और बाकी के जो कलाकार आए थे वो किसी वीवीआईपी की शादी में आए थे अटेंड करने के लिए। तो ये लोग गए थे हमारे यहाँ से लाइट लेकर, तो मैं गया था अगले दिन। बोला यार शाहरुख खान तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, जगजीत सिंह जी आए हैं, उनका प्रोग्राम आया है। तो मैंने कहा चलो भाई, जगजीत सिंह जो गज़ल माइस्ट्रो है उनका लाइव देखने को मिल रहा है मुझे। तो मैंने देखा, फिर इस तरह से धीरे धीरे मैं एक शूटिंग पे गया, सिर्फ तुम फिल्म की शूटिंग पर गया था, जो गाज़ियाबाद में हीरो मोटर्स में शूटिंग चल रही थी, जहाँ जी पे मैं कई लोगों से मिला, जी सुष्मिता सेन, संजय कपूर, इन लोगों को देखा, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। फिर मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि शूटिंग कैसे होती है, शूटिंग में किसकी ठाठ बड़ी होती है, कैसे क्या करते हैं। तो मैंने एक प्रोडक्शन मैनेजर को देखा वहाँ पे, और देखा मैंने कि यार ही इज़ द वन हु इज़ कंट्रोलिंग द इंटायर यूनिट। तो मैंने डिसाइड किया कि कि मैं जो हूँ प्रोडक्शन मैनेजर बनूँगा। हालांकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था इस इंडस्ट्री में, तो मैं वहाँ पे फिर मैंने कहा कि मैं तो बनूँगा तो प्रोडक्शन मैनेजर बनूँगा। और वो मेरा डिसीजन एक्चुअली करेक्ट था, जो मुझे आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैंने प्रोडक्शन ज्वाइन किया वहाँ पे। एक कंपनी है, अभी भी है, सूद टेलीफिल्म्स, जो मिस्टर सुनील सूद और दिलीप सूद चलाते हैं दिल्ली में। तो मैंने उनकी कंपनी को ज्वाइन किया, जहाँ पे स्कूल डेज, कॉलेज डेज, वी लव यू, एकलव्या, रिश्ते, बहुत सारे टेलीविज़न शोप्स किए मैंने उनके साथ। तो मुझे दिल्ली का बेसिकली शूटिंग का बेसिक नॉलेज हुआ, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत सारे नॉलेज हुए। बेसिकली शूटिंग क्या होता है उसका ट्रेनिंग ग्राउंड मुझे पता चला वहाँ से। फिर वहाँ से मैंने मनोज रघुवंशी जी को ज्वाइन किया, जहाँ पे राजेश तेलंग जी और रिज्जू बजाज जी मेरे मेंटोर थे, ही वो दे वर द डायरेक्टर्स। आजकल आपने राजेश तेलंग जी को देखा होगा, हर तीसरे वेब सीरीज और सिनेमा में दिखते हैं, और रिज्जू बजाज जी डायरेक्टर हैं जो एनएसजी के रहे हैं।
तो राजेश भाई के साथ ज़्यादा लकीली काम किया, राजेश भाई के अंडर मैंने बहुत काम किया, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर वहाँ से मैंने एक एल्बम किया जो मतलब दिल बॉम्बे के लोग आए थे। फिर मैंने एक पायलट किया जिसमें निर्मल भाई, निर्मल पांडे जी आए थे, तो इन लोगों से मेरा कांटेक्ट बना। फिर सडनली एक दिन चमत्कार हुआ कि दिल्ली में शूटिंग चल रही थी मिसिंग फिल्म, मिसिंग सोनी पे एक नॉन फिक्शन शो था जहाँ पे मैं मिला था मेरे आइडल, मेरे गुरु कह सकते हो मिस्टर जैकी श्रॉफ से। और जैकी श्रॉफ से मैं मिला और वहाँ पे उनसे मिलने के बाद लाइक मेरा तो ऐसा लगा कि बस मेरे सपनों को पंख लग गया कि मैं बस पहुँच गया। तो दादा ने मुझे इनक्रेज किया वहाँ पे और दादा ने मुझे बोला कि मेहनत कर बिड़ू, है ना, तेरी जगह उधर है, तो बोला उन्होंने। एंड ही वॉज लाइक सो इम्प्रेस विथ माई दिस थिंग, लॉट ऑफ थिंग्स। उन्होंने मुझे 200 रुपये गिफ्ट दिया, 200 रुपये जो मैंने आज भी लेमिनेट करके रखा है। मैं पिछले साल उनके घर पे गया था तो मैंने उनको बोला कि दादा यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट यू हैव गिवन 200 बक्स टू समवन। तो उनको याद तो नहीं आया लेकिन बताया। फिर मैंने उनको, उन्होंने जो मुझे ऑटोग्राफ्स दिया था वो तो सारी चीज़ें मैंने उनको दिखाई, तब उनको याद आया। एंड ही वॉज सो हैप्पी दैट यू नो आई केप्ट दोज मेमोरीज इन माई बकेट। और वो मिले, फिर मैं 2001 में बॉम्बे आया, फिर मैं एक साल प्रोडक्शन में काम किया। बहुत हैक्टिक रहा, आने के तुरंत बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद लाइक यू नो फिर भी 10-15 डेज बाद मैंने काम शुरू किया। फिर मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन में काम किया एज अ प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, जहाँ पे मुझे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स के अंडर काम करना होता था, जहाँ पे मैं आर्टिस्ट लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करता था कि दे आर कमिंग ऑन टाइम, व्हाट इज़ देयर कॉल टाइम, व्हाट इज़ देयर स्केड्यूल, वो रेडी हुए कि नहीं, उनको स्क्रिप्ट मिली कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज मैं दिल्ली में फैमिलियर था इन सब चीज़ों से, फिर बॉम्बे में मैंने किया, बहुत हार्ड वर्क किए और मुझे बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग मिले, दर्शन जरीवाला, अपरा मेहता, मनोज जोशी, मेरे मेंटोर मिस्टर संजय भाटिया, मिहिर भूता। तो मैंने बहुत अच्छे और सुलझे हुए ज्ञानी लोगों के साथ काम किया। फिर वहाँ से काम करते करते मुझे आशीष पाटिल जी मिले डायरेक्टर, और आशीष पाटिल जी को जब मिला तो मेरा हृदय परिवर्तन हुआ कि बस प्रोडक्शन वर्क इज़ ओवर, आई वॉन्ट टू वर्क इन डायरेक्शन। फिर मैंने वहाँ पे उनके मेंटोरशिप में डायरेक्शन में काम किया और इन्होंने उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद मैं डायरेक्शन में आया, फिर मैंने समीर कुलकर्णी जी के साथ में मैंने सोनपरी सीरियल आपने देखा होगा, कभी खुशी कभी धूम, तो मैं उनमें उनको असिस्ट किया। और उसके बाद धीरे स्लोली ग्रेजुअली मैं करता गया करता गया। और जो एक्सीडेंट जो मेरा हुआ था वो पेन मेरे घुटने में जो है शुरू हो गया, और धीरे धीरे मतलब मैं बढ़ता गया लेकिन मेरा पैर की जो रफ्तार है मुझे रोकती गई। तो मैं डायरेक्शन से स्केड्यूलिंग पे आ गया बिकॉज आई वॉज ऑन क्रचेस। तो क्रचेस पे आने के बाद में सी डायरेक्शन जॉब इज़ लाइक कमांडो जॉब। अगर आपको डायरेक्शन में काम करना है तो यू हैव टू बी सुपर फिट, अगर आपको एक्टिंग में काम करना है तो यू हैव टू बी सुपर फिट। और क्योंकि मुझे नॉलेज था डायरेक्शन का कि कैसे स्केड्यूलिंग करनी है, और जो डेली सोप्स आप देखते हैं, डेली का जो प्रोग्राम होता है, वहाँ पे एक एक डिपार्टमेंट अलग होता है। जैसे मैं दिल्ली में काम किया तो दिल्ली में एक ही मैं अकेला 5 डिपार्टमेंट संभालता था, लेकिन बॉम्बे में हर डिपार्टमेंट के लिए डेजिग्नेटेड लोग होते थे। तो मैंने स्केड्यूलिंग ज्वाइन किया, और स्केड्यूलिंग इज़ अगेन द जॉब ऑफ यू नो कोऑर्डिनेटिंग विद एक्टर, आपको कल क्या शूटिंग करनी है, परसों क्या शूटिंग करनी है। तो इस तरह दैट्स हाउ आई यू नो इंटरेक्टेड विद सो मैनी एक्टर्स। और एक्टर लोगों को मेरा जो बेसिकली काम करने का तरीका, जो मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। तो दे दिस मतलब टुडे आई बिकम अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड पीपल नो मी एज सोहन ठाकुर कास्टिंग डायरेक्टर। एंड द ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल द एक्टर्स जिन्होंने मुझे इनक्रेज किया टू बी कास्टिंग डायरेक्टर। और मैं कास्टिंग करते गया, मैं एपिसोडिक कास्टिंग किया, एपिसोडिक कास्टिंग से मुझे एक मेरे सीनियर मिले मिस्टर साहिल खोसला, जो भी आज की डेट में क्या क्या उनका नाम बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत बड़े मतलब आइकॉनिक फिल्म्स बनाए हैं और कंटिन्यू बैक टू बैक बन रहा है, उनके यहाँ पे वो अभी हेड ऑफ ऑपरेशन है। तो उन्होंने मुझे इनक्रेज किया और ही हैज़ गिवन मी फर्स्ट चांस टू कास्ट अगले जन्म मोहिम बिटिया ही खींचो।
जो मैंने किया और मैंने दिन रात बहुत मेहनत की थी उसमें। सिंस आई एम फ्रॉम बिहार, तो मुझे वो जेस्चर मालूम था, वो लैंग्वेज मालूम था, वो बॉडी लैंग्वेज, वो कॉस्ट्यूम, वो भाषा, उसका ज्ञान था। तो मतलब कहते हैं ना, सही वक्त पे सही चीज़ मिलना आपके करियर के लिए ज़रूरत होती है। जैसे नवाजुद्दीन भाई को, जो आज बहुत बड़े स्टार हैं, उनको उनके टाइप का रोल मिला गैंग ऑफ वासेपुर में, बिकॉज ऑफ दैट ही बिकम्स अ बिग स्टार नाउ। तो मुझे भी मिला एक ऐसा ब्रेक मिला जिसको, जिसके बारे में मेरा बैकग्राउंड था, जिसके बारे में मुझे जानकारी थी, और कलाकारों से, और दिल्ली का जो मेरा ट्रेनिंग था थिएटर्स का, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत हेल्प किया टू गेट राइट एक्टर फॉर द राइट रोल्स। तो वहाँ से लाइक मेरी कास्टिंग डायरेक्टर के, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे मुझे रिकग्निशन मिला, और मैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, लाइक माता की चौकी किया मैंने, प्रतिज्ञा किया, मधुबाला किया, रंगरसिया किया, संस्कार किया, बाबा ऐसे बड़ ढूंढो किया, बड़ो बहू किया, उड़ान किया, मतलब अनगिनत शो किए मैंने। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स, कि मैंने जितने भी शोज़ किए हैं अभी तक, अगर 100% किए तो 100% में मुझे, मेरे जो सक्सेस शोज़ के रेशियो हैं वो 95% है। 5% शोज ऐसे हैं जो नहीं चला, बट वो शो के भी बज बने। परेशानियां बहुत आई, मैं इन सब साल में क्रचेस पर था 6 साल, लेकिन मेरा जो विल पावर और मेरी जो मेहनत और मेरा जो इंटेंशंस था करेक्ट था, मेरी जो मेहनत थी वो करेक्ट थी। तो मैं 6 साल क्रचेस पे काम, जहाँ पे लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए बैठते, तो मैं ट्रीटमेंट भी करवा रहा था। आई वॉज टेकिंग राइट प्रिकॉशन, राइट मेडिकेशंस अलॉन्ग विथ, मैं काम भी कर रहा था, बिकॉज सिर्फ इलाज करवाता तो शायद मैं बीमार हो जाता, मैं दोबारा अपने पैर पे, आज जो मैं 15 किलोमीटर साइकिल भी चला लेता हूँ, कार भी चला लेता हूँ, बाइक भी चला लेता हूँ, शायद मैं वो नहीं कर पाता अगर मेरे अंदर वो विल पावर नहीं होता। तो विल पावर से मैंने उन सब कठिनाइयों को साइड में रखा, इग्नोर नहीं किया, साइड में रखा, उसका ट्रीटमेंट में भी ध्यान दिया। और जो मेरा मोटो था, जो मैंने लोगों को पढ़ा है, सुना है, देखा है, कि मतलब हार्डशिप्स के बगैर आपको मंजिल नहीं मिलती है, तो मुझे ये सब चीज़, मैं बचपन से वो सब बड़े बड़े लोगों की कहानी, कि ऐसे ऐसे हमारे राष्ट्रपति भी हुए हैं कि नदी को पार करके जाते थे पढ़ाई करने के लिए, कोई स्ट्रीट लाइट में पड़े, तो ये सब चीज़ें, आई एम कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे मैंने ये हार्डशिप्स देखे हैं। तो टुडे मतलब हमारी हालत अच्छी और बहुत अच्छी है, हम अच्छे जगह पर हैं, और अभी की जो जनरेशन और अभी की जो सारी चीज़ें हो रही है, या हमारे परिवार में भी जो आ रहे हैं, दे आर लाइक यू नो ऑन अ वेरी राइट डायरेक्शन, दे आर डिटरमाइंड टू गो फॉर लाइक यू नो बिग होराइजन। तो वो सारी चीज़ें चल रही है। तो मेरा एक ही लाइन है कि ये जो इतनी मैंने कहानी सुनाई है शॉर्टकट में, है तो बहुत, मतलब ये तो मैंने आपको वन लाइनर बताया, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे हार्डशिप्स है, लेकिन एक ही लाइन में बोलूँगा कि बिना कष्ट के आपको फल नहीं मिलता है, है ना। तो हार्डशिप्स के बगैर, हाँ, बिना हार्डशिप्स के यू कैन नॉट ग्रो, और जिनको बिना हार्डशिप्स के सक्सेस मिलती है उनको वैल्यू नहीं होता है, फिर वो चीज़ें टिकती नहीं है ज़्यादा देर। जैसे चाइना माल को बोलते हैं ना, कि चाइना माल दिखने में तो पैकेजिंग अच्छी होती है बट उसमें दम नहीं होता है, तो बी इंडियन माल जिनका फाउंडेशन मजबूत होगा तो वो सालों साल चलते हैं। तो आई बिलीव इन दैट हार्डशिप्स। आपकी विल स्ट्रॉन्ग हो और नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर आप पैशन हो कि आपको कुछ करना है और आपको मुश्किल से गुजरना है तो कुछ भी चीज मुश्किल नहीं होती। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनका वेलकम कहना चाहूंगी। गुलशन वाडिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, हाय सोहन, नाइस टू सी यू। रीता जय खानी त्रिसा जी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीता ठाकुर जी शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल दीवान हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं यू आर अ फाइटर आपके लिए। अनुज भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रतिमा कनन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नमस्कार प्रतिमा जी, आपको हेलो भेज रही हैं, वो हेलो कह रही हैं आप। नमस्ते प्रतिमा जी।
सला मेहता, डॉक्टर सला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सला मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। गिरीश चावला हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, योर जर्नी इज अमेजिंग, सो प्राउड ऑफ यू, यस अमेजिंग जर्नी। मैरी नायडू हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन पॉल जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर मुजाहिद जी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, सेक्शन डायरेक्टर रहे हैं दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन उत्सल जी लद्दाख से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, एनएससी पास आउट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषि शंकर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कामना हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, तहे दिल से उनका शुक्रिया कहना चाहूंगी। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी आपने बात की कि आप जब आप एज ए कोऑर्डिनेटर आप जब एज डायरेक्शन में नहीं आए थे, तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बड़े कलाकार को बुक करते हैं ऑडिशन लेने के लिए, उसको बुलाते हैं, तो खास तौर पर वो कलाकार जिसका नाम है और जो बड़ा हो, उसको आपने ऑडिशन लेना हो, तो किस तरह की मुश्किल आपको आती है उस वक्त या आई है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं इस पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले तो जो कलाकार ऑलरेडी अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं उनका तो हाँ ऑडिशन ही हाँ नहीं होना चाहिए, जी जी उनका ऑडिशन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जी डिसरिस्पेक्ट होता है ऑडिशन के नाम पे बुलाना। जिनको अनुभव नहीं है वो आप ऑडिशन के लिए कैसे बुला सकते हैं? कलाकार जो होता है ये एक्चुअली क्या है, इस पर गुस्सा भी आता है और इस पर बेसिकली क्या है, ऑडिशन ज़रूरी है। आपको अगर वो कलाकार चाहिए, आप उनको बुला के पहले मीटिंग करो, उनको बताओ कि ये रोल है, इस रोल के लिए हम आपको सोच रहे हैं, क्या आप करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो हम आपका एक लुक टेस्ट करना चाहते हैं, ऑडिशन ही चाहिए। क्योंकि क्या है, वो प्रूफ करके आ चुके हैं, वो मतलब पूरा जो नदी नाला जितना भी होता है ना, वो समंदर में आ चुके हैं, तो उनको आप बेसिकली लुक टेस्ट करो। लुक टेस्ट के बाद पांच आर्टिस्ट को बुलाओ, दे विल नॉट माइंड एट ऑल। पांच कलाकारों को आपका कन्विक्शन जो है, मैं उन सभी चैनल वालों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, भले मुझे काम मत देना, उन प्रोड्यूसर सर्स को भी, मैडम को भी यही बोलूँगा, मुझे काम मत देना, बट प्लीज़ डिसरिस्पेक्ट मत करो आर्टिस्टों का। आर्टिस्ट है इसीलिए आपका प्रोग्राम बन रहा है। आप आर्टिस्ट को बुलाते हो तो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करो। अभी क्या है कि इतने सारे भीड़ आ गई है मार्केट में, अच्छा फलाने जी जी हम एक शो बना रहे हैं, आप एक ऑडिशन के लिए आइए, दिस इज रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट टू द एक्टर्स। एक्टर पानी की तरह होता है, आपको जिस बर्तन में रखोगे वो उस तरह का आपको डिलीवर, उस तरह का रूप ले लेते हैं। आप नहीं लेना है लेना, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। और क्या होता है हमारे लाइन में ना, ईगो बहुत है, जिस दिन ये ईगो मर गया ना, उस दिन हमारी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे नंबर वन इंडस्ट्री होगी। आर्टिस्ट को जब आप बुलाते हो, आप उनको प्रॉपर तरीके से उनको ब्रीफ करके उनको लुक में ऑडिशन करो, ताकि उनको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि भाई मुझे बुलाया गया, इज्जत दी गई है। नहीं होगा तो उनको रिग्रेट नहीं होगा, बट क्या एंड ऑफ द डे सबको सर्वाइव करना होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो मुश्किलात की जहाँ तक बात की, तो मैं उनको बहुत, जो मेरा अप्रोच रहा है शुरू से लेकर आज तक यही रहा है कि सीनियर एक्टर को मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनको पहले पूछता हूँ कि सर ऐसे ऐसे रोल है या मैम एक ऐसा ऐसा रोल है, क्या आप करना चाहती हैं? तो एक्टर की तरफ से तो ये होगा कि हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं करेंगे, काम है पूछा है करेंगे। तो वो लोग आते हैं, वो आते हैं और मैं मेक श्योर करता हूँ कि हमारी तरफ से जितने भी कलाकार हैं उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, रिस्पेक्टफुली उनका ऑडिशन हो। उस ऑडिशन में जो है ना, कोई भी रैंडम आदमी नहीं घुसेगा, उनको बुला के उनको चाय कॉफ़ी ऑफर करो, उनको बताओ। और जब मैं फ़ोन पर बात करता हूँ ना, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मेरे अंडर भी जितने असिस्टेंट है, अगर कोई कास्टिंग के लोग भी देख रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि किसी भी कलाकार को, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, नहीं फिट है तो उनको बोल दो कि आप नहीं फिट हैं, ठीक है ना, बुला के यू आर नॉट फिट, आप हीरो नहीं हैं, डोंट शो योर हीरोपंथी है। आप एक्टर को जितना रिस्पेक्ट दोगे, यू नेवर नो, कल को वो नवाजुद्दीन बन गया ना, तो सबसे पहला टारगेट आप ही होंगे। तो एक्टर की रिस्पेक्ट कीजिए। मैंने कभी कुछ या ऐसे ये बड़बली मुंह से बोल के नहीं किया है, मैंने यहाँ से किया है,
यहाँ से नहीं क्या किया बात, है। क्या बात, क्या तो बात। हाँ नहीं, ये और मेरे बहुत सारे इंटरव्यू छपे हैं जिसमें मैंने ये एड्रेस किया है कि कलाकार को मैं भगवान मानता हूँ, कलाकार को मैंने अंडरलाइन किया है, कलाकार को मैं भगवान मानता हूँ। कलाकार है तो आप चल रहे हो, अगर कलाकार नहीं मिलेगा तो आपका शो हो या फिल्म हो वो डब्बे में जाएगा, आप नुकसान में आएंगे और जीवन भर रिग्रेट करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कलाकार की वैल्यू हर तरीके से होना चाहिए, और मैं अगर आज यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे सालों साल रहूँगा तो बिकॉज ऑफ एक्टर्स, बिकॉज ऑफ आर्टिस्ट। या और ये मुझे डर नहीं है किसी का, ये मेरा विश्वास है। और कहते हैं ना, विश्वास में वो ताकत होती है जो मतलब लोगों को मौत के मुंह से खींच के लाती है। तो मुझे किसी से डर नहीं है, मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ आपके सामने में, ये लोगों तक जाना चाहिए कि एक्टर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक्टर की। और जो आर्टिस्ट होते हैं वो मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। बिल्कुल समझ रही हैं। अब देखिए, लिखते हैं कि आपके ऑडिशंस में आना बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितनी बड़ी बात। और सर निर्मला धर हमारे साथ जुड़ी हैं, एक लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं जम्मू कश्मीर से। प्रतिमा कनन जी लिखती हैं कि सोहन सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कलाकार की इज्जत बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ी रश्मि धर जी जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। करण सर हमारे साथ जुड़े हैं, करण सर वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरविंदर कौर बबली हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं और एनएसडी से पास आउट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई ऑप्शन भेजते हैं चैनल्स को, प्रोडक्शन हाउस को, वो आर्टिस्ट पसंद होता है लेकिन चैनल वाले कहते नहीं, हम हमें कोई दूसरा वो दो, ऐसे में आप क्या करते हैं? मैं बताना चाहूँगा, ये भी ये सब सवाल मेरे मन में था कि आप मुझसे पूछें। ऐसा होता है, अभी क्या होता है कि जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हमको हम और हम जाते हैं एक शर्ट खरीदने के लिए या एक पैंट खरीदने के लिए या सूट खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए, तो उस पैसा खर्च करने के लिए ना हम 10 दुकान में जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं ये नहीं अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। ये एक लिबर्टी होती है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आपका पूरा राइट है कि आप अपने चॉइस की चीज़ लें। तो आप 50 चीज़ देखने के बाद 5 चीज़ शॉर्टलिस्ट करते हो, उस 5 में से फिर आप डिसाइड करते हो कि मेरा बजट क्या है, मेरे पे सूट कितना करेगा। तो वो सारी चीज़ें जैसे हम अपने ड्रेस चुनने में करते हैं, तो इस तरह से चैनल प्रोडक्शन के लोग करते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्शन फ्रेंडली है या टिकेगा कि नहीं टिकेगा, मीन्स ये इसकी मजबूती सही है, इसका व्यवहार सही है, वो सब चेक करते हैं। वो मतलब वो क्वालिटी चेक, क्वांटिटी चेक, बजट चेक, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि इनको लेना चाहिए। और वैसे भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी सिनेरियो चेंज हो गया है, चैनल में या प्रोडक्शन में कोई एक जन डिसाइड नहीं करते हैं कि हमको इस एक्टर को लेना है, मल्टीपल लोग होते हैं प्रोडक्शन हाउस में। तो अभी हम जिस लेवल पे हैं वहाँ पे हम जिस कलाकारों को दिखाते हैं तो 98% तो चैनल जाता है, क्योंकि पहले ही हम फिल्टर कर लेते हैं प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हेड के साथ में कि जी बजट क्या है, क्रिएटिव के साथ बैठ जाते हैं कि आपकी क्राइटेरिया क्या है, नॉन चाहिए, सेमी नॉन चाहिए, फ्रेशर चाहिए, एकदम बिल्कुल वो चाहिए कि मतलब कभी टीवी में नहीं दिखे और सीरियल में, सिनेमा वाले चाहिए। फिर मैं बजट पूछ लेता हूँ, रोल पूछ लेता हूँ, फिर उसी क्राइटेरिया वाले लोगों को अप्रोच करता हूँ, सो दैट वो भीड़ भाड़ वाला इलाके है तो प्लीज़ प्रोड्यूसर की मैंने इतने ऑडिशंस किए वो नहीं करना पड़ता है। तो आई थिंक ये बुरा भी नहीं है, चैनल अगर 5 लोगों में चुनते हैं और उनको 5 ऑप्शन भेजा जाता है, वो रिजेक्ट करते हैं फिर मंगाते हैं। जब ये सब काम कब होता है मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बहुत सारे शोज़ पे फ़िलहाल काम कर रहा हूँ और मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ, और कई सारे लाइव लोग हैं वो मुझे सुन रहे होंगे, उनके साथ भी ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं इन दिनों कि पिछले 2 महीने से उनको होल्ड पे रखा हुआ है कि बस करते हैं, ऑडिशंस किए जा रहे हैं। तो समटाइम्स जब आप नौकरी करते हो, हालांकि इरिटेशन भी होती है कि भाई आप इतने समझदार और इतने इंटेलिजेंट और इतने क्रिएटिव होने के बाद भी वाई, तो उसका एक ही रीज़न बताता हूँ, शो में जितना टाइम होता है ना, डेडलाइन। जी, अब जनवरी में जो शो ऑन एयर होगा और वो अभी से अगर देखेंगे तो उनके पास टाइम होता है, और मैंने देखा है कि जैसे वो 15 दिन बचता है ना, 15 दिन में सारी कास्टिंग हो जाती है, लुक टेस्ट, मॉक शूट, एवरीथिंग, बजट लॉक, सब कुछ हो जाता है। तो ये है टोटल सिनेरियो।
मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जब आप किसी का ऑडिशन करते हैं, आप किसी एक्टर को ऑडिशन करके उसको एक शो मिल जाता है और शो हिट हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि जो एटीट्यूड की अगर हम बात करें, शो हिट हो जाने से क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि जिनको आपने ऑडिशन करके, नए लोगों को, उनका एकदम एटीट्यूड में चेंज आ गया हो, क्या कभी हाँ ऐसा हो मैं, रहा है? हाँ ये क्या कहते हैं उसको, जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया है उस लेवल पे, जैसे प्रतिमा जी, निखिल भाई, अनुज भारद्वाज, जैसे आपने कई सारे नाम बोले जिन जो मेरे बहुत ही करीबी हैं, करण जी भी कनन हैं। कनन 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 सर हैं, तो मैं जितने इन लोगों ने जो तपस्या की है, माँ सरस्वती और नटराज की जो आराधना की है और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको उस चीज़ का वो कितना भी कर लेंगे ना, प्रतिमा जी, करण सर इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन मैंने उनको हम्बली देखा है, उनको कभी मैंने एटीट्यूड और बिल्कुल टेंट्रम करते बिल्कुल, नहीं देखा है। तो बहुत मैं यही, पॉजिटिव सोच, हाँ तो नहीं, मैं बहुत ये पॉजिटिव बता, सोच। हाँ तो मैं कहना चाह रहा हूँ, और मैंने निखिल भाई को भी देखा है, जब भी वो काम करते हैं हम्बल तरीके से जाते हैं वो, मतलब यस, वो, उनको मालूम है कि हमको प्रोड्यूसर ने इतने देर के लिए पैसा दे रहे हैं ना, तो हम उतना देर चुपचाप जाके शूट करना है हमको। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नए लोग आते हैं और उनको जी सडनली सक्सेस मिल जाता है, और आज का जो ज़माना है, बेसिकली आज का जो ट्रेंड है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वाला जो ज़माना है, जो मतलब उनको जो फेम मिलता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो जी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी डाउनफॉल भी होता है, जो मैंने देखा है, और मेरे ही बिल्कुल कास्टिंग किए हुए शोज़ के मैंने कलाकारों को देखा है किस तरह से सारी चीज़ें हो रही है। तो मैं उनको एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर आप उसको संभाल लें तो यू आर द ट्रू स्टार। वेरी ट्रू। कई बार ऐसा भी होता है कि जो जब हम कास्टिंग करते हैं, करेक्ट कास्टिंग करना कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? बहुत मेहनत, बहुत मुश्किल काम है कास्टिंग करना, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट, हम स्टेज के लिए अगर हम कोई नाटक कर रहे हो तो उसमें हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कास्टिंग करना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप किस क्या करते हैं यहाँ पे, इट्स वेरी टफ। देख, हाँ मैं बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, मिस्टर अतुल माथुर जी ने किया था, तो मैंने ऐसे वो मेरा इंटरव्यू का शीर्षक ही ये था कि आई एम अ मैच मेकर, मैं शादी कराता हूँ, मैं मतलब अच्छे सेटअप रेडी करता हूँ, दूल्हा का परिवार, दुल्हन का परिवार, दुल्हन दूल्हा, तो सिनेमा, टेलीविज़न हो या सिनेमा हो या ये OTT स्पेस, जो वेब सीरीज़ होते हैं, करेक्ट कास्टिंग अगर नहीं होगा, अगर आप जो मेट्रो का ब्रिज बन रहा हो देख रहे होंगे आप, अगर करेक्ट फाउंडेशन नहीं होगा उसका, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। कोई बिल्डिंग बनता है, अगर उसका मटेरियल सही यूज़ नहीं होगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा। तो बेसिकली इतने सालों का जो मेरा अनुभव रहा है और इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स मेरे बने हैं थ्रू थिएटर, और इट्स सी, इट्स नॉट वन डे, वन डे जॉब, हमको मालूम हो जाता है कल ऑडिशन करने, किसी ऑडिशन में क्या होता है, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन या एक सीन आप अगर एक्टर को दे दो, रट्टा मार के आ जाएगा वो, 10 रेफरेंस हम दिखा देते हैं, वो 10 रेफरेंस देख के आके कर देंगे। एक दिन में आप जो कलाकार, अभी सब लोग ऑनलाइन है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि एक दिन में उनको 20-20 पेज मिलता है, और वो 20 पेज को ऑन द स्पॉट रेडी करके इनेक्ट करना इज अ बिग थिंग, इज अ बिग थिंग जो हमारे कलाकार ही कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल देखा है ये हैंडसम ब्यूटीफुल लोग आते हैं जिनकी तैयारी नहीं है, वो आते तो बहुत इंथुजियास्ट BMW ऑडी में आएंगे, एकदम डूड बन के, कूल डूड, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ते ही वो टेंशन में आ जाते हैं। फिर वहाँ पे सेट पे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कितने इरिटेट होते हैं, जोश में कास्ट तो कर लेते हैं, जी लेकिन शाम को एंड ऑफ द डे शूटिंग के बाद वो जब फुटेज देखते हैं कि 3 मिनट का फुटेज निकला, 4 मिनट का फुटेज निकला, क्वालिटी की बहुत बात करें, तो उनको लगता है कि दैट तो हमारा तो जा रहा है, लॉस में है हम। अब वही आप एक्टर को, आपने नए लोगों को लिया, अच्छी बात है, नए लोगों को लेना चाहिए, नए लोगों को चांस तभी तो मिलेगा, लेकिन नए लोगों में आप उनको चुनो ना जिनको भूख है काम की, जो कैरेक्टर में जा रहा है, जिनको एक्टिंग आती है, जो आपके कॉस्ट को भी बचाएगा। आप कलाकार को चुनो ना, नॉन कलाकार को चुन के आप उसको स्टार बनाते हो, उसको प्रमोट करते हो,
और फिर आप झेलते हो। ये हर चीज़ हर कोई नहीं कर सकता है। अगर अच्छे कलाकार को लेंगे तो हर हमारे यहाँ पे कलाकार निकलेंगे, और वो चीज़ें फिर प्रोड्यूसर को फ़ायदा ही होता है। चैनल, अभी मैं आपको एक बता अपने शो का इंसिडेंट सुनाता हूँ। प्रतिज्ञा सीरियल मैंने किया था, सज्जन सिंह की कास्टिंग को लेकर चैनल में प्रोडक्शन में नहीं 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 बाबा को नहीं लेंगे ये वो, और वो जब बाबा ने जब डायलॉग पे डायलॉग डायलॉग पे डायलॉग ऐसा बोला और सुपर डुपर हिट हुआ, प्रतिमा जी आई उस शो में, प्रतिमा जी आई, वो टीआरपी यहाँ से वहाँ गई, और बहुत सारे कलाकार थे। लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर वो बाबा बहुत सॉलिड हो गए, वो प्रतिमा जी बहुत सॉलिड हो गए, मतलब उस शो, मैं उस पर्टिकुलर शो की बात कर रहा हूँ। तो जो कलाकार जब आते हैं, उन लोगों ने अपने कंधे पे वो शो को और उस कैरेक्टर को इतना उठाया है, तो बाकी लोग जो होते हैं ना, वो फिर वो भीड़ में निकल जाते हैं। क्या बात, प्रतिमा जी लिखती है सलाम है सोहन की, आप कितना खुलकर बोल रहे हो, क्या बात क्या बात, बहुत सच में बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अनुज भारद्वाज ने एक बहुत ही सटीक बात जो कहते हैं वो लिखी है, वो लिखते हैं कि जब अवार्ड मिलता है किसी आर्टिस्ट को तो वो जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनको क्रेडिट क्यों नहीं देते, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं छोटा बचपन से अभी यहाँ तक, मेरे पिताजी आज भी मुझे ये बोलते हैं कि ज्ञानी बनो, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कोई चोरी नहीं कर सकता है। पैसे चोरी करके लेके जाएगा चोर, लेकिन ज्ञान आपका कोई चोरी नहीं करके जा सकता है, तो आप ज्ञानी बनो। तो रेस्ट लीव अप टू द गॉड। मुझे ये अवार्ड से ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो मुझे सर्टिफिकेट ये जो आपको जो लोग मिल रहे हैं अभी ना लाइव जो मेरे बारे में बोल रहे हैं ना, वो मेरा अवार्ड है, वो मेरा सर्टिफिकेट है। तो मैं कब कभी कभी भी उस कभी ऑसम, मजा आ गया, वाह, ये सबसे बड़ी बात बोली आपने, टू गुड तो टू गुड, अभी नहीं, मैं जी आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि टेलीविजन में मैंने जितने भी शोज किए हैं, हालांकि उस वक्त मैं थोड़ा सा बहुत ही वो था, क्या कहते हैं अपना, एंथुजियास्टिक, अभी उससे भी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हूँ। उस वक्त तो मैं थोड़ा क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट टेम्पर भी था कि अरे मेरा नाम कैसे नहीं दिया, नाम नहीं दोगे तो मैं शो नहीं करूँगा। बट स्लोली ग्रेजुअली मैं आई फॉलो बुद्धिज़्म, मैं एक फिलोसफी फॉलो करता हूँ, तो इसी वजह से आपने मेरे बारे में जो एक मोटिवेशनल स्पीकर लिखा है, आई एम नॉट दैट जी मोटिवेशनल स्पीकर, बट हाँ मैं तो जब मैं जो हमारे सेंसे जो हमारे मेंटोर हैं उनकी चीज़ों को मैंने पढ़ा है, उसको मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, मैं वही एक्चुअली बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है कि नाम आए नहीं आए, नाम आए तो हाँ लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये फलाने शो का, फलाने फिल्म का, फलाने वेब सीरीज़ की कास्टिंग सोहन ठाकुर ने की, हमारे इंडस्ट्री के लोगों को पता चल जाता है। मुझे वो नाम अपने माता पिता को दिखाना है एक्चुअली, वो जो नाम आता है ना, मुझे अपने घर वालों को दिखाना है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बट नाउ दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि हाँ मेरा बेटा इस लाइन में है। वो जब मैं मार्केट में, मॉल में या कहीं जाता हूँ तो कोई कलाकार मिलते हैं, आज सुबह ही मैं गया था पार्क में अपनी माँ को लेकर, तो दो तीन कलाकार मिल गए, सोहन सर आप भी, तो माँ ने बोला कौन कलाकार है, मैंने कहा हाँ, तो उनको लगता है हाँ अभी मेरे बेटे को कुछ लोग तो जानते हैं। तो अभी मैं उस क्रेडिट के पीछे नहीं भागता हूँ मैं, ठीक है ओके, जब लोगों को, प्रोड्यूसर को या चैनल को लगेगा कि हाँ वाकई देना चाहिए, क्योंकि कास्टिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों को लगता है कि मैंने ही किया, मैंने ही किया, मैंने ही किया, तो मतलब ठीक है भाई आपने ही किया है। मेरे एक्टर लोग मेरे बारे में बोल देते हैं ना, एक जो मैंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया था, मैंने एक ऐप लॉन्च किया था, तो ये जितने भी कलाकार हैं उन लोगों ने मुझे आगे से बेस्ट विशेस का बाइट बना के भेजा, तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड और सर्टिफिकेट और क्रेडिट वही है। और मैं कभी भी कुछ भी करता हूँ तो ये लोग मेरे लिए खड़े रहते हैं। तो दैट्स द बिगेस्ट सर्टिफिकेट विच आई गॉट टिल डेट फ्रॉम द इंडस्ट्री, इज दैट आई गॉट, आई अर्न गुडविल। बहुत खूबसूरत, और ये सच बात है, ये सच बात है, आपके दोस्त आपके साथ जो खड़े रहते हैं वो आपका सबसे बड़ा अवार्ड है, बिल्कुल बहुत सच्ची बात कही आपने, बहुत सच्ची बात कही। ये मैं जानना चाहूंगी कि आपने अभी तक जितनी भी कास्टिंग की इसमें आपको सबसे मुश्किल चैलेंजेस कहाँ, चैलेंजिंग कहाँ लगा कास्टिंग करना? अभी जो मैं शो कर रहा हूँ उसमें लग रहा है मुझे, मैं एक अभी शो कर रहा हूँ, बहुत बड़ा शो कर रहा हूँ, जो इट्स एन एपिक शो, मैं पिछले 6 महीने से कास्टिंग कर रहा हूँ, जी
जो अगले 3 दिन में पूरी कास्टिंग लॉक हो जाएगी, बट ये 6 महीने में जो चल रहा है, हालांकि जो बीत गया मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा कि मैंने क्या कमाया, क्या गवाया, क्या जी नाम हुआ, वो उस पर नहीं। अभी द जी चैलेंज इज नाउ व्हिच आई एम फेसिंग एंड आई नो आई एम गोइंग टू श्योरली विन। और अगेन ये जो शो की कास्टिंग है, इस कास्टिंग में भी मतलब जो मेहनत लग रही है या जो कलाकार चुन के आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि चैलेंज आ रहा है तो सही चीज़ नहीं होगी। जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं दे आर वेरी नॉलेजेबल। अगर वो चुन रहे हैं तो बेसिकली कोयले की खान से हम लोग हीरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बीर मुजाहिद सर लिखते हैं कश्मीर में, जैसे कि मैंने कहा कि स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के, लिखते हैं राइट करेक्टराइजेशन और कास्टिंग ऑफ फिल्म सीरियस प्ले 100% सक्सेस है, 99.9% सक्सेस ऑफ द प्रोडक्शन, दिस इज वेरी ट्रू आई थिंक, आप क्या कहेंगे? हाँ, कास्टिंग का तो होता ही है, मतलब कास्टिंग इज 50%। अब 50% लेखनी जो राइटर का जॉब होता है, ये दो चीज़ें, राइटर और कास्टिंग डायरेक्टर जो है, और इन दोनों का जो जॉब है, राइटर का और कास्टिंग का, मतलब जो लिखा गया है और जो कास्टिंग हुई है, वो कहते हैं ना कि मतलब दूल्हा दुल्हन करेक्ट मिला तो शादी चलती ही चलती है। अगर पता चला कि दूल्हा दूल्हा का थॉट कुछ और है, दुल्हन का थॉट अलग है, तो वो ट्रेन सीधा एक पटरी पे चलेगी नहीं, ऐसे चलेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर यू नो बिल्कुल व्हाट व्हाट बिल्कुल व्हाट हैपेंड। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, आपका एक 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 बात है मेरे जहन में, टैलेंट वर्सेस नेपोटिज्म, क्या कहेंगे आप? एक लाइन में जवाब दूँ या लंबा आजकल बोलूँ? बहुत इस पे चर्चा, इसे बहुत चर्चा हो रही है, लंबा बोल, क्योंकि इसे बहुत चर्चा हो रही है आजकल, नहीं, तो मैं चाहोगे आप बोलें? एक लाइन में बोलूं या लंबा बोलूं, आप मुझे बताओ, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। जो जैसा अगर जैसा आप अगर चाहें। यस नेपोटिज्म, मैंने आपको बोला ना कि अगर सही कास्टिंग नहीं होगी, सही फाउंडेशन नहीं होगा तो गिर जाएगा, दैट इज नेपोटिज्म अकॉर्डिंग टू मी। नवाजुद्दीन नहीं जी होते, आयुष्मान खुराना जी नहीं होते, राजकुमार राव नहीं होते, बहुत सारे ऐसे, प्रतिमा जी नहीं होती, निखिल भाई नहीं होते, कनन जी नहीं होते, ये सब कोई नहीं होते। इन लोगों ने, इन लोगों, इनके कोई बैकग्राउंड नहीं है इनका, ये लोग भी आए हैं, मैंने एक लाइन बोला था ना शुरू में, इन लोगों ने सब नदी जी नाला को क्रॉस करके समुंदर में अपनी जगह बनाई है, और हार रॉक स्टडी की तरह समुंदर में भी खड़े हैं। तो अगर नेपोटिज्म होता तो ये जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, रिच लोग हैं, जिनके बच्चे आते हैं सूटकेस भर के कि जी कैश ले लो, हमको लॉन्च कर दो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं कि जी 25 लाख रुपए ले लो, 50 लाख रुपए ले लो, हमको कास्ट करवा दो, तो हमने एक ही चीज़ बोला, अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, मैंने बोला भाई मैं भी एक्टर बनने आया था, हालांकि मैं एक्टर कभी बनने नहीं आया था, मैंने बोला मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ, मेरे को मेन हीरो लॉन्च कर दो। फिर वो लोग गायब हो गए। आपका ये आपका एक टैलेंट हंट अक्रॉस द वर्ल्ड, इस कंसेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी सॉरी, कम आपका ही अगेन। आप आई थिंक ये आपका ही कॉन्सेप्ट है, टैलेंट हंट अक्रॉस द वर्ल्ड, हाँ, कुछ ऐसा टैलेंट हंट, कॉन्सेप्ट है अक्रॉस हाँ, द टैलेंट वर्ल्ड? अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं बेसिकली क्या कहता हूँ कि मैग्नेट मैग्नेट को जो है ना अट्रैक्ट करती है। अगर आप कुछ बना रहे हो, दिल से बना रहे हो, अभी आपने एक फिल्म देखी होगी ओम शांति ओम, उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है जो हमारे बुद्धिज्म में भी है वो डायलॉग, कि अगर आप व्हेन यू डिसाइड टू बी विक्टोरियस, एवरी नर्व्स एंड फाइबर्स मूव टुवर्ड दैट डायरेक्शन टू यू नो टू मेक यू फुलफिल दैट वाव, मतलब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो उसको आपसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है, तो ये सच्चाई है। और दूसरी तरफ आप सोचोगे कि ये नहीं होगा तो एक्चुअली नहीं होगा। तो टैलेंट हंट अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब मेरा ये है कि आप कोई चीज़ बना रहे हो, उसके लिए आपको राइट टैलेंट चाहिए। आज की जो मीडिया है, आज का जो मीडियम है, लाइक मीडियम आपका सोशल मीडिया जो है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। जब मैं एक पोस्ट डालता हूँ तो वो जी पोस्ट क्या होता है कि जैसे आपको मिला, आपको लगा कि हाँ ये वेरीफाइड आदमी है, कुछ जेन्यून चीज़ बना रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब जो मैटर करती है।
तो जी आपका वेरीफाइड होना, आपके बारे में लोगों का पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना, आपको उस टैलेंट तक लेके जाती है, और वहाँ तक पहुँचती है आवाज़। और जी किसी की प्रार्थना होगी कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें बने और मुझे मिले, तो वो ये जो मैं ये जिस चीज़ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो वो प्रोजेक्ट का वो वहाँ तक जाता है। मैं भी प्रे कर रहा हूँ कि मैं मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने को मिले, तो उनकी भी प्रेयर होगी कि राइट टैलेंट और राइट टैलेंट हंट करने वाला कोई मिले, तो वो मिलन हो जाता है, वो मिलन हो जाता है। और ये क्या सच्चाई बात है, ईमानदारी जो होती है ना, सकारात्मक सोच जो बोलते हैं, पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप एक्चुअली दिल से बनाओ यस तो आपको वहाँ तक आपको वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहुँचा देती है। ट्रू वेरी ट्रू। जो जैसे नई जनरेशन की बात मैं कहती हूँ, अगर उनको सफलता नहीं मिलती, पेशेंस की आजकल देखा जाए तो कुछ कमी, थोड़ी बहुत कमी तो है, तो सफलता एकदम से नहीं मिलती और ऐसे में बड़ा नेगेटिव, मायूसी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। तो आप क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ में वक्त लगता है। एक पेड़ जब आप लगाते हो, वो पेड़ अभी आप लगाओगे और तुरंत फल नहीं देगा, वो पेड़ लगेगा, बिल्कुल वो मच्योर बिल्कुल होगा, और सारी चीज़ें जो है उसको एक सर्टेन टाइम लगता है फ्रूट्स देने में, तो आपको एक पेशेंस रखना पड़ता है। शाहरुख खान एक दिन में नहीं बने हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक दिन में नहीं बने हैं, आयुष्मान खुराना एक दिन में आयुष्मान खुराना नहीं बने, या बहुत सारे ऐसी महिला कलाकार हुई हैं, वो कोई एक दिन में नहीं बना है। आप उस कन्विक्शन से, उस डेडिकेशन ट्रू से, एक ऐसे ब्लाइंडर लगा के रहो ना, एक्टिंग भी कर लूँ, मॉडलिंग भी कर ट्रू लूँ, और रियलिटी शो में भी चला जाऊँ, आप भी जी नहीं, आप अगर जो चीज़ कर रहे हैं, बिजनेस भी कर लूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, मैटर करती है। मतलब आपको जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग जो होती है, बॉडी बिल्डिंग के लिए जो आपको 8 पैक बनाना है, आपको जॉ लाइन बनाना है, आपको अच्छा दिखना है, आपके बाल अच्छे हो, आपकी डिक्शन अच्छी हो, आपकी आवाज़ अच्छी हो, उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। तो अगर एक पूरा फुल स्टार मटेरियल बनने के लिए जो अफोर्ड कर सकता है वो सारी चीज़ें तो करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो फिट रहने के लिए, एकलव्य भी तो थे ना, एकलव्य, आज कोई द्रोणाचार्य नहीं है जो हाथ यस काट बोलेगा कि मुझे ये दे दो। तो यस जिनके यस पास, मैं उन दोनों तरफ मैं बोल रहा हूँ, जो जिनके अंदर जज्बा है, पैसा नहीं है, जज्बा है, बनना है, उनको भी, जैसे कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है और उनको पढ़ के कुछ बनना है, तो मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो स्ट्रीट लाइट में पढ़ के प्रेसिडेंट भी बने हैं, बहुत बड़े लेवल पे भी गए हैं। बिल्कुल तो एक्टर जो जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएंगे, सिक्स पैक बनाएंगे, आप जॉ लाइन बनाएंगे तभी आप स्टार बनेंगे, ऐसा होता तो नवाजुद्दीन भाई तो जी बनते नहीं, वो डायरेक्ट सब आयुष्मान खुराना ही निकलता है इंडस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें उनको, बात उन सभी लोगों को एक ही लाइन में समझाऊंगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और फिल्म इंडस्ट्री आपकी गोल्डन लाइफ की कुर्बानी मांगती है, और जिन लोगों ने अपने गोल्डन लाइफ की कुर्बानी दी है वो, और जो एकदम पूरा फोकस होके, कंसंट्रेट करके, पूरा डिटरमाइन होके एक ही फील्ड को दिया है, वो स्टार बने हैं। और मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा जो हमारे बुद्धिज्म में एक गोशो स्टडी में पढ़ा था कि विंटर ऑलवेज टर्न्स इनटू स्प्रिंग। आपने कभी सुना है कि सर्दी के बाद क्या कहते हैं उसको, बरसात आ गया है, सर्दी के बाद गर्मी आता ही है, विंटर ऑलवेज टर्न इनटू, बसंत ऋतु आता ही है तब गर्मी आती है। तो सेम लाइफ में आपके उतार चढ़ाव आएगा, मेरे लाइफ में आया है, मैं आया था डायरेक्टर बनने के लिए, अब मैं डायरेक्टर बनूंगा, आज नहीं तो कल बनूंगा, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने उस बीच में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने सर्वाइव करने के लिए शेड्यूलिंग की, छोटी छोटी कास्टिंग की, फिर मुझे कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम मिला, मैं यहाँ पर बना, मैं लिखता भी हूँ। तो मैंने क्या कहते हैं, बैंक की जॉब नहीं की, मैं जाके मार्केटिंग का जॉब नहीं किया, मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही कम पैसे कमाए लेकिन मैं सरवाइव कर रहा हूँ, और मुझे दूसरा आता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है दूसरा काम आता ही नहीं।
मैं दूसरा काम नहीं कर सकता। तो आपको फोकस रखना पड़ेगा, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आए हो तो फिल्म इंडस्ट्री में ही करना होगा। नहीं यार, वो पापा जो है बोल रहे हैं कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, मम्मी बोल रही है शादी कर लो, ये बोल रहे हैं कि टाइम खराब हो रहा है, फैमिली बिजनेस से क्यों नहीं करते हो, तुम इतना पढ़ाई करके डिग्री लेके, डॉक्टर की डिग्री इंजीनियर की डिग्री करके आए हो। भाई यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी लोग आए हैं सब लोग एक अपना सपना लेकर आए हैं मुंबई शहर में। इस सपनों के शहर में अगर सपने लेकर आए हो तो सपने को पूरा करने के लिए, अगर सबका सपना आते ही सपना ही पूरा होगा तो कोई किसी भी फील्ड में काम मेहनत नहीं कर रहा। सब लोग चलो मुंबई चलते हैं, ऐसी ही बहुत भीड़ है, तो हम तो बोलते हैं कि मुंबई में आने से पहले पूरी तैयारी कर लो, टैलेंटेड बन जाओ, बॉर्डर पे जाने के पहले पूरी ट्रेनिंग ले लो, तब हथियार लेके आओ, फिर गोली चलाओ बॉर्डर पे। अब ऐसे ही बॉर्डर पे आ जाओगे ऐसे कि चलो पूरा बटन वटन खोल के, तो एक ही उधर से एक लगेगी, बस चित हो जाओगे। आप ब्लेम इंडस्ट्री को मत करो। निर्मल पांडे जी अक्सर हमको कहा करते थे, निर्मल पांडे और मैं, मेरे घर पे निर्मल भाई आते थे अक्सर, तो ऐसे ही मेरे बालकनी में बैठ के कुछ खा रहे थे और उन्होंने बोला कि फलाना एक्टर आया था मेरे पास, बोला कि इतने दिनों से मैं ये कर रहा हूँ। तो निर्मल भैया ने उसको बड़ा अच्छा जवाब दिया, डॉक्टर ने बोला था आने के लिए, डॉक्टर ने कहा था नहीं ना, अपनी मर्जी से अपने पैशन से आए हो ना, तो उस पैशन को जगा के रखो। यही कंप्लेन इसलिए कर रहे हो क्योंकि बने नहीं। जब आप मुझे बताओ, जो लोग बन जाते हैं, जो पैसे कमाते हैं, नेम कमाते, वो आपको भाव भी नहीं देंगे। जब आपके उनके पास नेम फेम पैसा होगा तो वो भाव भी नहीं देगा। जिन कलाकारों के साथ मैंने काम किया उनका मैं एक चीज़ बताता हूँ, नए कलाकार का, नए कलाकारों की जी बातचीत हुई थी जो बिना ट्रेनिंग के आते हैं, पहले उनका अप्रोच होता है, सोहन सोहन सर, सोहन भैया आप ही सब कुछ हैं। फिर वो कुछ बन जाते हैं, कुछ मतलब उनका छो हाय सोहन, जब कुछ और बन जाएंगे, अच्छा वो सोहन, अच्छा आई नो हिम, ओके ओके, तो शो सुपर हिट हो जाता है, शो बंद हो जाता है, फिर शो ख़त्म हो जाता है, फिर टीवी एक्टर को फिर जल्दी 10 में से 5 ही लीड को या 2 लीड को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि तुरंत शो मिल जाता है, तो फिर वो लोग फिर से वापस आते हैं। अरे सोहन भाई कैसे हो, मुझे कंप्लेन नहीं है, मैं बोलता हूँ यार नेचुरल रहो ना, डे वन से ही सोहन बुलाओ, हाय सोहन क्या हाल है, तो तकलीफ नहीं होगी। वो जो फ्लैक्चुएट होता है ना, वो फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए, यही आपका ब्रॉटअप बोलता है। जो एक कलाकार लोग आते हैं ना, बहुत सारे कलाकार देख रहे हैं, मैं कलाकार को भगवान क्यों मानता हूँ, उनको मालूम है रिस्पेक्ट क्या होती है। वो कलाकार इसीलिए उनको मैं उनको इसीलिए पूजता हूँ, मैं कलाकारों को पूजता हूँ मैं। और जो कलाकार नहीं है उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसको सीखें, मिसयूज ना करें। हमारी इंडस्ट्री माँ सरस्वती और नटराज की इंडस्ट्री है, इसको गंद ना मचाए। आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ कहाँ की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नटराज नटराज की इंडस्ट्री है, माँ सरस्वती की इंडस्ट्री है। हम जो गाने गुनगुनाते हैं ना बाथरूम में नहाते हुए, बाथरूम सिंगर, वो भी हमारी इंडस्ट्री की ही है। गाड़ी चलाते हुए हम जो फुल साउंड में सुनते हैं वो भी हमारी नटराज की इंडस्ट्री ही है। जो नेशनल एंथम हम सिनेमा हॉल में गाते हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री की ही बनाई हुई है। जो हम भजन कीर्तन में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ही बनाई हुई है। तो प्लीज़ हमारी इंडस्ट्री को बदनाम ना करें, हमारी इंडस्ट्री माँ सरस्वती की इंडस्ट्री है, नटराज की इंडस्ट्री है। और जिसने भी इसको बदनाम करने की कोशिश की है वो गटर में ही दिखेंगे आपको। उनका जीवन में कहीं पे कोई जगह नहीं है उनका, न उनके घर में, न किसी प्रोफेशन में। हमारी इंडस्ट्री, और मैं आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत आपने, मतलब मिस मैजिंग जो आपने लास्ट में बातें बोली ना, तो क्या कहूँ मैं खुद स्पीचलेस हो गई। आपने इतना खूबसूरत बोला है ना सोहन, जो उतना दिल से बोला है आपने, जिस तरह से आपने शुरू किया कि आप यहाँ से नहीं दिल से करते हैं, और वाकई आपने जितनी भी हमारी जो आज की बातचीत रही है आपने दिल से बात की थी, और वही दिल से दिल तक पहुंची है। बहुत खूबसूरत आपके साथ कॉन्वर्सेशन रही, और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सोहन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मंच पर आए और आपने इतनी खूबसूरत बातें दिल से शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू युवराज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युवराज सर थैंक यू युवराज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा सोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, थैंक्स सर, बहुत थैंक यू मैम, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
हमारे से जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निखिल, युवराज सर, दीपक नायडू, प्रतिमा जी, करण सर, गुलशन जी, सुचित्रा जी सर, डॉक्टर सरला मेहता, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। बबली जी, श्रद्धा, शबीर सर, रचना विनोद जी, जयदीप सिंह जी, जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी जुड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से उनका शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुमन पॉल जम्मू से, मीता ठाकुर, निर्मला धर जी अपने आप में एक लेजेंडरी एक्ट्रेस रही हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि आपका जुड़ना हमें मॉरल सपोर्ट देता है, हमें एक स्ट्रेंथ देता है, तो कल जो हमारे शख्सियत का अंग रहेगा उसमें हमारे साथ रहेंगे एक बेहतरीन कलाकार, सिनेमा जगत के, रंगमंच के और टेलीविजन के बेहतरीन कलाकार और बेहतरीन इंसान करण नचलन जी हमारे साथ रहेंगे, करण सर हमारे साथ रहेंगे। तो कल शाम को 4 बजे रहेगा हमारे साथ, और करण सर की जो लाइफ की जर्नी है उनसे हम सभी रूबरू होंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि और नमस्कार।